ग्रामीण खबरों के लिए देखते रहिए बीएनपी न्यूज लाइव लेटेस्ट चैनल्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया। औरुंदा कस्बे के बिजली घर के सामने से जाने वाले धोली मंगरी रास्ते पर शनिवार को दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला के साथ लूट की वारदात हुई। बाइक पर आए दो नकाबपोश लुटेरों ने खेत में जा रही वृद्ध महिला की कंठी तोड़कर भाग निकले। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर युद्ध स्तर पर तलाश शुरू की। ज्ञात सूत्रों के अनुसार बोरुंदा के बिजली घर के सामने जाने वाले रास्ते पर 70 वर्षीय सोनी देवी पत्नी शंकर राम भाटी की शनिवार को दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल पर आए दो लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पता पूछने के बहाने गले की कंठी को चाकू से काटकर उन्हें धक्का देते हुए लूट कर ले गए। वृद्धा के साथ उसकी पोती भूमिका ने भागकर खेत में जाकर परिजनों को बुलाया। तब तक लुटेरे वहां से भाग चुके थे। वारदात की सूचना पर थानाधिकारी सज्जन सिंह व सहायक उप निरीक्षक मांगीलाल ताडा मय जाप्ता मौके पर पहुंचे, जहां पीड़िता की जानकारी को कलमबंद किया गया। थानाधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि घटना को लेकर तीन टीमों का गठन बीटीएस लोकेशन व सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के साथ लुटेरों की तलाश जारी है। खेता जाते साले मतलब पहले हम तो कहते कि नेम जी घर बत देरो बतो में कि मैं जानू कौन कौन के नेम जी क्या अडाने है नाने रो में कि अडाने मारे है कौन नाने रो है कौन माना था जन के पास आया मैं कि तो ऊपर मोचा मैं कहते मूल लगा रहे मोचा जन के पास आया जन के लो बात करो नेम जी बात करे मैं बात करी कौन कौन तू नहीं बोलियो माडे मार फोन लगायो लोगों को उत्कंठी तोड़न अगन पार उत्कंठी तोड़न वो तो उठा उसको तो मार दिया। मैं दादी सर आज खेत में जाऊ थी, दो लोग आया बहन कपड़ा काला फेरना और बहन मुंड बन हो और बहन हाथ में चक्कू हो और बहन दादी सर कंठ तोड़ लेगा। मैं दादो सकन की मैं दादो सन की दादो सा लेगा। बोरुंदा कस्बे के बिजली घर के सामने धोली मंगरी जाने वाला रास्ता है, जहां अभी हम लोकेशन पे खड़े हैं। यहां पर आज करीब 12 बजे की घटना है। यहां पर एक वृद्धा जो यहां पास ही के खेत के अंदर जो कृषक है उनको अपने परिवार के जो सदस्य हैं वह खेत में काम कर रहे हैं उनको चाय पिलाने के लिए जा रही थी। उनके साथ एक 6 साल की मासूम बच्ची भी थी। दोनों दादी और पोती यहां से चाय देने के लिए जा रहे थे। उस दौरान दो मोटरसाइकिल पर अनजान लोग आए, नकाबपोश थे और हाथ में चाकू थे। उन लोगों ने एक नेवाराम के नाम की आईडी जानने को लेकर उनका पता जानने को लेकर वृद्धा से बात की और फ़ोन पर ज़बरदस्ती बात करने की बात कही कि आप उसका बात करो जानकारी लो, लेकिन वृद्धा ने मना किया। इसके बावजूद उन दोनों लुटेरों ने वृद्धा के साथ ज़बरदस्ती फ़ोन करने की बात कही और इसके साथ ही उनके हाथ में चाकू था और चाकू से वृद्धा के गले में जो कंठी पहनी हुई थी उस कंठी को तोड़कर ले गए थे। कंठी सोने की बताई जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर बोरुंदा पुलिस थानाधिकारी सज्जन सिंह मय जाप्ता यहाँ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। वहीं जो जिसके साथ लूट हुई है उनसे भी उनसे जानकारी ली है और यहाँ पर ये जो घटना हुई इस दौरान घटना के बाद जो आसपास की जो वृद्धा के परिजन थे उन लोगों ने चारों तरफ इस बात को आगे तक फैला दी और चारों तरफ जिसने भी कोशिश की उन लोगों लुटरों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ नहीं पहुँचे। और यहाँ तक बात की जाएगी जहाँ लोकेशन है, जहाँ घटना हुई, घटना की चारों दिशाओं में जो रास्ते जा रहे हैं उन रास्तों पर सभी लोगों ने मोटरसाइकिल दौड़ा दौड़ा कर चारों तरफ पता किया लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं आई। किस तरह BNC न्यूज़ बोरुंदा।